Hello dear children, I hope you all are fine and taking good care of yourself. Today we are going to start with our new chapter of English Junction course book of standard 8th, that is chapter number 6. So we are going to start with our new chapter. What is the name of the chapter? Yes, the name of the chapter is William Finds a Party. Dear children, this chapter is also a very interesting chapter. How the boy finds a party, it is related to this topic. So before moving on to the chapter, I would like to explain you about the objectives why we are going to learn this chapter. So the first point is to identify the genre. Genre means humor. Kya actual mein isme है इस चैप्टर में ह्यूमर फैला था, दैट रिलेटेड टू दैट. नेक्स्ट पॉइंट इज़ टू मेक अ कैरेक्टर स्केच, मतलब एक कोई भी एक इंसान हो उसका कैरेक्टर कैसा है उससे रिलेटेड कैरेक्टर स्केच अगर आपको लिखने के लिए बोले तो हाउ यू विल मेक दैट कैरेक्टर स्केच, इट इज़ रिलेटेड टू दैट. एंड लास्टली टू ट्रेस द ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स, मीन्स एक के बाद एक इवेंट कैसे इस चैप्टर में होती है, इट इज़ रिलेटेड टू that. So now here is a short summary about what the chapter is related to. So इसमें मैंने आप लोग को सारे points लिखे हुए कि एक के बाद एक क्या क्या events होती है इस chapter में, and ये short में explain किया गया है, so that if you understand this it will be easy to understand the chapter. So we'll begin with the summary of this chapter. What is there in this chapter? First of all, this story moves from the present to the past and to the present again. मतलब इस story में क्या है कि पहले present से past में जाते हैं उन लोग story में और वापस present में आ जाते हैं. Now in this first point, Archie, एक artist है, Archie नाम का लड़का है, वो एक artist है. He wants to invite some friends over to his house for a party. Party के लिए अपने friends को बुलाना चाहता है. तो वो क्या करता है, ही हैंड्स ओवर 16 इन्विटेशंस टू विलियम एंड आस्क हिम टू पोस्ट देम. तो वो इन्विटेशन कार्ड्स जो होता है वो 16 इन्विटेशन कार्ड्स विलियम को देता है एंड उसको कहता है कि तुम ये पहुंचा देना, पोस्ट कर देना. विलियम टक्स देम इन हिज रेनकोट पॉकेट एंड फॉरगेट्स ऑल अबाउट देम. विलियम क्या करता है, वो सारे जो इन्विटेशन कार्ड्स होते हैं वो रेनकोट के पॉकेट में डाल देता है और भूल जाता है उसको पोस्ट करना. Then a few days later, William meets Archie on the day of the party and wonders why he is preparing so much food. फिर थोड़े दिन बाद जब विलियम आर्ची को मिलता है जिस दिन पार्टी होती है उस दिन, और सोचता है वो इतना क्यों खाना बना रहा है, देन तब उसको याद आता है, ही रिमेंबर्स ऑल अबाउट द कार्ड्स व्हेन आर्ची टॉक्स अबाउट द इन्विटेशन ही हैड गिवन हिम. जब आर्ची वो कार्ड का जिक्र करता है तब उसको याद आता है कि वो कार्ड्स तो मैं रेनकोट के पॉकेट में ऐसे ही भूल गया था. देन विलियम फील्स गिल्टी, बहुत ही उसको शर्म आती है, बहुत पछतावा होता है, उदास हो जाता है एंड वॉन्ट्स टू रिपेयर द डैमेज, और उससे क्या डैमेज हुआ था उसको वो ठीक करना चाहता है. देन वॉट ही डज, ही कम्स अक्रॉस अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन सर्च ऑफ अ प्लेस टू बाय सम पेंटिंग्स. फिर उसको वो जब जाता होता है तब उसको एक ग्रुप ऑफ पीपल मिलते हैं जिनको एक जगह की तलाश थी जहाँ से उन्हें पेंटिंग्स खरीदने थे. देन तब वो उसको क्या ट्रिक याद आती है, ही ट्रिक्स द ग्रुप इन टू बिलीविंग दैट आर्चीज हाउस इज अ प्लेस दे आर लुकिंग फॉर, और वो उनको ये कन्विंस करता है कि आपको आर्ची के घर जाना है, जो जगह आप ढूंढ रहे हो वो वही है, ऐसे करके. फिर आर्ची इज़ हैप्पी टू हैव देम, आर्ची खुश हो जाता है इनको देख के, एंड सर्व्स देम फूड्स एंड ड्रिंक्स, खाना खिलाता है, ड्रिंक्स देता है. ही डज नॉट बॉदर अबाउट हु दे आर, उसको ये नहीं सोचता है कि कोई भी हो, बस उससे खाना खिलाना था उसने खाना खिलाया उनको. एज लॉन्ग एज ही हैज़ कंपनी टू हेल्प हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज पेंटिंग्स दैट हैड गॉट सोल्ड एट एन एग्जीबिशन, और वो ये भूल जाता है, एक बार उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ होता है कि उसकी पेंटिंग्स सोल्ड हुई थी बट वापस आ गई थी, इसीलिए वो भूल जाता है. देन वॉट हैपन्स, द गेस्ट थॉट पजल्ड एट द हॉस्पिटैलिटी, और गेस्ट एकदम पजल हो जाते हैं, इतना वो उनका वेलकम कर रहा है और सब खाना वाना खिला रहा है, तो ये सब देख के वो पजल हो जाते हैं.
पे हिम फॉर द पेंटिंग, और वो उसकी पेंटिंग्स जितनी भी सारी सोल्ड हो गई थी उनके लिए वो पैसे दे देते हैं एंड लीव विद द पेंटिंग, और वहाँ से पेंटिंग्स लेके चले जाते हैं। और तुरंत सून आफ्टर दिस, तुरंत क्या होता है, आर्ची के जो एक्चुअल गेस्ट थे, फ्रेंड्स थे, वो वहाँ पहुँचते हैं एक्सीडेंटली, अचानक से, उनको पता नहीं होता है पार्टी के बारे में, बट अचानक वहाँ पहुँच जाते हैं एंड डिस्कवर दैट दे वेयर टू बी हिज गेस्ट, और फिर पता चलता है कि उस दिन के वो उनके गेस्ट थे एंड दैट तब पता चलता है कि विलियम ने वो हैड फॉरगॉटन टू पोस्ट द इन्विटेशन पोस्ट करना भूल गया था। द अर्लियर ग्रुप जो आया था पीपल का रियलाइजेज द मिस्टेक, और तब उनको भी पता चलता है कि उनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो चुकी है। दे कम बैक, वो वापस आते हैं आर्ची की जगह पे टू रिटर्न इज पेंटिंग्स एंड टेक बैक देयर मनी, पेंटिंग रिटर्न करने और उनके पैसे वापस लेने। और लास्ट में आर्ची इज लेफ्ट सिटिंग, अकेला रह जाता है बरीड इन हिज पेंटिंग, उसके पेंटिंग्स के साथ। सो डियर चिल्ड्रन, दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर। Now, here our chapter starts. First of all, here is a warm-up exercise given to you. In this, it is given, making a list of things to do would help you to be well-organized and efficient. कुछ भी आपको करना हो उसके लिए अगर लिस्ट बना के रखे तो वो ईजी हो जाएगा टास्क आपके लिए। ऐसा इमेजिन करो कि आपके घर पर एक पार्टी है और लिस्ट आप बनाओ सब चीज़ों के। तो दिस वार्म-अप एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू दिस chapter. Now here our chapter starts. It is given, William Brown is the main character in a series of children's book. Actual में जो William Brown है वो भी ये पूरे इसका character, children की books जो लिखी जाती है उसमें main character है, बहुत सारी इससे related books लिखी गई है। William कौन है, is an 11 year old boy who along with his friends Ginger, Henry and Douglas who call themselves the outlaws often causes trouble for other people. इसमें क्या होता है, विलियम जो एक 11 साल का लड़का है वो अपना उसके फ्रेंड्स है जिंजर, हैंनरी, डॉगलास, ये सब है, वो सबको उन लोग चारों की टीम को क्या बुलाते हैं, आउटलॉज नाम दिया गया है, और हमेशा लोगों को परेशान करते रहते हैं। नाउ सी हियर, अब शुरू होता है चैप्टर, लेट्स गो सी हाउ आर्ची इज, विलियम से, विलियम ने अपने फ्रेंड्स को कहा कि चलो आर्ची के घर जाते हैं और देखते हैं वो कैसा है। As the outlaws neared Archie's cottage, जैसे ये outlaws Archie के cottage के नज़दीक आए, they heard the sound of crockery. Crockery की आवाज़ें आने लगती है and Archie's unmusical singing. वो ऐसी गाना गा रहा था, उस singing की भी आवाज़ आ रही थी। They opened the kitchen door. Kitchen door खोला, the scene was chaotic. क्योटिक की मीनिंग क्या है, इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन, मतलब कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका था। एस ऑलवेज, हमेशा उसके घर ऐसा ही रहता है। बट इंस्टेड ऑफ पैलेट्स एंड पेंट ब्रशेस, बॉटल्स, ग्लासेस एंड जार्स फिल्ड द किचन। अब किचन में एक्चुअल में वो क्या रखता था, पैलेट्स, मतलब पैलेट्स मीन्स थिन कर्व्ड बोर्ड्स that painters used to mix paint, holding them by putting their thumb through a hole at the edge. ऐसा वाला जो होता है, ये पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, जो पेंटर्स यूज़ करते हैं पेंटिंग करते वक्त अपने हाथ में पकड़ने के लिए, तो वो हमेशा उसके किचन में वहाँ होते थे, पेंट ब्रशेज होते थे, उसके बदले क्या था, बॉटल्स थे, ग्लासेस थे, जार्स थे, फील्ड पूरे किचन में भरे हुए थे। देर वेयर प्लेट्स ऑन द फ्लोर, द चेयर्स एंड इन द सिंक। प्लेट्स कहाँ कहाँ पड़ी हुई थी, फ्लोर पे, चेयर्स पे, सिंक में, सब जगह प्लेट्स बिखरी पड़ी हुई थी। वॉट आर यू डूइंग आर्ची, विलियम आस्क्ड क्यूरियसली, और एकदम विलियम को जानना था कि आर्ची क्या कर रहा है, तो उसने पूछा, वॉट आर यू डूइंग, आई एम गेटिंग रेडी फॉर माई पार्टी, सेड आर्ची। आर्ची ने क्या जवाब दिया, कि मैं पार्टी के लिए सब प्रिपरेशन कर रहा हूँ। डोंट गेट इन माई वे चिल्ड्रन, और वो चिल्ड्रन बच्चों को बोलता है कि आप लोग दूर चले जाओ, मेरे बीच में रास्ते में मत आओ। इट्स अ जॉली गुड, सेड डॉगलास इंस्पेक्टिंग द फूड। तो फूड को देख के ही डॉगलास क्या बोला, इट्स जॉली गुड, जॉली गुड मीन्स वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है, ऐसे उसने रिप्लाई किया। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, हियर इट इज गिवन, डोंट ईट एनी ऑफ इट, सेड आर्ची,
ऑल ऑफ इट इज फॉर माई गेस्ट. उसने क्या रिप्लाई किया कि उसने ये कहा कि आप लोग ये मत खाना क्योंकि ये जो सारा कुछ खाना है वो मेरे गेस्ट के लिए है. द आउटलॉज रश्ड इन टू द लाडर. लाडर का मीनिंग सी डियर चिल्ड्रन इट इज गिवन एट द एंड ऑफ द पेज कि एक छोटा सा रूम है जिसमें बड़ा सा कबर्ड होता है जो खाना स्टोर करने के लिए यूज होता है. दैट इज कॉल्ड लाडर. तो उन लोग लाडर की तरफ गए खाना देखने के लिए. ऑल एक्सेप्ट हेनरी. हेनरी नहीं गया. हु वेंट टू द स्टूडियो. हेनरी कहाँ गया? स्टूडियो में. स्टूडियो मीन्स फोटो क्लिक करने वाला स्टूडियो नहीं. हियर द स्टूडियो इज अ रूम वेयर एन आर्टिस्ट वर्क्स. जो आर्टिस्ट जहाँ काम करता है वो उसको स्टूडियो कहा गया है. डोंट गो इन देयर आर्ची वॉन्ड. और आर्ची ने चिल्ला के क्या बोला कि तुम वहाँ मत जाओ. आर्ची वॉज अपसेट. वो बहुत ही अपसेट उदास था. He had recently held an exhibition of his paintings and all of them had been returned unsold. उसने वो उदास किस लिए था क्योंकि उसने अभी एक एग्जीबिशन होल्ड किया था और तब उसकी सारी पेंटिंग्स बिना बिके वापस आ गई थी. एक भी पेंटिंग नहीं बिकी थी. Then Archie was disappointed. बहुत ही दुखी हो गया वो. He was trying to forget about it through the party. और ये पार्टी उसने इसीलिए रखी थी ताकि वो सब कुछ वो भूल जाए. हेनरी ज्वाइंड द अदर्स. और फिर बाद में हेनरी वहाँ से सबको ज्वाइन कर लिया. वो लैडर के पास जा रहे थे वहाँ पे. गो अवे चिल्ड्रन सेड आर्ची. आर्ची ने क्या बोला? यहाँ से चले जाओ. आई हैव टोल्ड यू आई एम बिजी. आई हैव नो टाइम फॉर यू टूडे. कि मैंने तुम्हें कहा कि मैं बहुत ही बिजी हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ टाइम नहीं है. विथ ऑल दैट फूड फॉर योर पार्टी यू वॉन्ट नीड दिस जैम टार्ट. Will you, Archie? Asked Douglas. फिर Douglas ने क्या पूछा कि ये सारे खाने के साथ क्या तुम्हें ये जैम टार्ट भी चाहिए होगा? जैम टार्ट क्या है? एक बेक्ड डिश है विच इज़ मेड ऑफ फ्लोर, मतलब आटे और जैम से भरी हुई होती है. तो उसने कहा कि ये तो तुम्हें नहीं चाहिए होगा. No, take it. फिर उसने क्या रिप्लाई किया? नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तुम ले लो, आर्ची ने कहा. There's half a bottle of raspberry jam. Take it. फिर उसने कहा कि हाफ बॉटल रास्पबेरी जैम की भी पड़ी है. तो आर्ची ने कहा वो भी तुम ले लो. रास्पबेरी मतलब एक छोटा सा रेड कलर का सॉफ्ट फ्रूट होता है जो बुशेज में उगता है. यू कैन सी द पिक्चर. इट इज़ गिवन एट द एंड ऑफ दैट पिक्चर ऑल्सो. चैप्टर के ये पेज के एंड में दिया हुआ है. फिर उसने और क्या पूछा? डू यू वॉन्ट दिस बंस. बंस चाहिए? नो, टेक देम अवे. टेक देम एंड गो अवे. और आर्ची ने आर्ची ग्राउंड. ग्राउंड मतलब ग्रोंड, मतलब ग्रोंड का मीनिंग दिया है. मेड अ लॉन्ग डीप साउंड बिकॉज ही वॉज अनाइड. वो बहुत ही गुस्से में था इसलिए उसने जोर से बोला कि नहीं, तुम ले जाओ वो सब भी, मुझे नहीं चाहिए. ऐसा जार स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड एंड फेल टू द फ्लोर. आई कांट कॉन्सेंट्रेट विथ यू हियर. और फिर तब क्या हुआ? जोर से जब चिल्लाया तो उसके हाथ से एक जार स्लिप होके ज़मीन पे गिर गया. और तब उसने कहा कि तुम यहाँ से सब लोग चले जाओ, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ. दिस जेली, येस टेक इट. फिर ये सब बच्चे परेशान कर रहे थे, बोल रहे ये वो सब चीज़ों के नाम ले रहे थे. तो आर्ची कह रहा था ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, सब कुछ ले जाओ. डू यू वॉन्ट दिस सैंडविच केक विथ क्रीम इन द मिडल एंड शुगर ऑन टॉप, आर्ची. फिर वापस बच्चों ने पूछा कि क्या तुम्हें ये सैंडविच केक चाहिए जिसमें बीच में क्रीम है और ऊपर शुगर लगी हुई है. नो, टेक एज मच फूड एज यू लाइक बट गो अवे. उसने क्या कहा आर्ची ने देन? कि तुम्हें जितना खाना चाहिए वो सब ले जाओ बट यहाँ से चले जाओ. थैंक्स आर्ची, सेड विलियम. कैन यू लेंड अस अ बास्केट. फिर उसने आर्ची को थैंक्स बोला विलियम ने और पूछा कि क्या तुम हमें ये ले जाने के लिए बास्केट दोगे? तो येस, इफ़ यू कैन फाइंड वन. तो आर्ची ने क्या कहा? हाँ, अगर तुम्हें मिल जाए तो ले लो बास्केट. जिंजर फाउंड अ बास्केट इनसाइड द ओवन. जिंजर को कहाँ मिला बास्केट? ओवन के अंदर. टुगेदर विथ अ माउस ट्रैप एंड अ फायर एक्सटिंग्विशर. और साथ में क्या पड़ा था? माउस का ट्रैप, जो माउस पकड़ने के लिए यूज होता है वो ट्रैप, और एक फायर एक्सटिंग्विशर भी वहाँ पे पड़ा था. एंड द आउटलॉज लोडेड इट विद द कंटेंट्स ऑफ आर्चीज लैडर. और आर्ची के वो जो लैडर कबर्ड में जो कुछ पड़ा था खाना, वो सब बास्केट में उन्होंने भर दिया. वी विल गो नाउ आर्ची, सेड विलियम एट लास्ट. और फिर लास्ट में विलियम ने आर्ची को कहा, क्या कहा? कि अब हम जा रहे हैं. ओके, थैंक यू, सेड आर्ची ग्रेटफुली. और फिर ग्रेटफुली बहुत ही अच्छे से आर्ची ने कहा, ठीक है, ओके, तुम जाओ, थैंक यू. विलियम लुक्ड अराउंड द किचन इन वंडर.
और विलियम ने फिर पूरे किचन में इधर उधर देखा। घोष, यू मस्ट हैव इन्वाइटेड हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू योर पार्टी। और उसने क्या कहा कि क्या तुमने बहुत सारे लोगों को, घोष मतलब एक एक्सप्रेशन होता है, सरप्राइजिंगली पूछ रहा है वो कि बहुत सारे लोगों को तुमने पार्टी के लिए इन्वाइट किया होगा, राइट? ऐसा उसने बोला। देन वॉट हैपन्ड, एक्चुअली आई हैव इन्वाइटेड 16 पीपल। आर्ची ने क्या रिप्लाई किया कि मैंने 16 लोगों को बुलाया है। आई ऑलवेज प्रिपेयर फॉर अ लार्जर नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी, बट मैंने 16 जनों को बुलाया है, बट मैं हमेशा खाना ज़्यादा लोगों का बनाता हूँ ताकि कोई भी एक्स्ट्रा आ जाए तो इमरजेंसी में प्रॉब्लम ना हो। यू पोस्टेड द इन्विटेशन, विलियम डोंट यू रिमेंबर? तो उसने फिर विलियम को पूछा कि तुमने ही तो पोस्ट किए थे, तुम भूल गए? आई सेड डोंट आंसर अनलेस यू कांट कम, इफ आई डोंट हियर फ्रॉम यू आई शैल एक्सपेक्ट यू, आई हैवंट हर्ड फ्रॉम एनी वन विच मीन्स एवरी वंस कमिंग। फिर उसने कहा कि ऐसा मत कहना कि जब तक उन लोग आ नहीं रहे हैं और तुम भूल गए हो ये देना। इफ यू डोंट हियर फ्रॉम यू, इफ आई डोंट हियर फ्रॉम यू आई शैल एक्सपेक्ट यू, कि अगर तुम आना चाहते हो तो तुम भी आ सकते हो, बट ऐसा मत बोलना कि मैंने इन्विटेशन पोस्ट नहीं किए हैं। तो मैंने, वो कह रहा है कि मैंने कभी किसी जिनको इनवाइट किया था उनसे भी सुना नहीं कि हम लोग आने वाले हैं, कि एवरीवन इज कमिंग, सब आ रहे हैं कि नहीं। देन व्हाट हैपेंड, अ ब्लैंक लुक हैड कम ओवर विलियम्स फेस। और ये सब सुन के विलियम का फेस एकदम ब्लैंक हो गया, वो सोचने लगा कि मेरे से ये कितनी बड़ी गलती हो गई। ही पिक्ड अप द बास्केट, उसने बास्केट उठाया एंड वेंट आउट। फिर उसने अगेन वो एक्सप्रेशन दिया, घोष, हियर फ्रॉम का भी मीनिंग इट इज़ गिवन कि टू रिसीव अ रिप्लाई फ्रॉम समवन, कि किसी से उसको कुछ रिप्लाई नहीं आया था कि हम आ रहे हैं तुम्हारे घर पार्टी के लिए। और फिर उसने क्या बोला, घोष, आई थिंक आई नेवर पोस्टेड दोज इन्विटेशन। फिर वो सोचने लगा कि मैंने तो ऐसे कोई इन्विटेशन पोस्ट ही नहीं किए। आई रिमेंबर हिम गिविंग देम टू मी, और फिर वो सोच रहा है कि मुझे ये याद है कि उसने मुझे दिए थे, बट आई वॉज वेयरिंग माई रेनकोट दैट डे। तो फिर उसको याद आया कि मैंने उस दिन रेनकोट पहना था, तो उस रेनकोट में वो रह चुके होंगे, रह गए होंगे। दे वेंट टू विलियम्स हाउस, विलियम फाउंड 16 अनपोस्टेड लेटर इन द पॉकेट ऑफ हिज रेनकोट। फिर दौड़ते दौड़ते उन लोग सब कहाँ चले गए, विलियम के घर पे गए, और तब विलियम ने अपने रेनकोट के पॉकेट में वो 16 अनपोस्टेड लेटर्स मिले उसको। उसके बाद विलियम वॉज हॉरिफाइड, और ये देख के वो एकदम ही शॉक हो चुका था। आई नेवर पोस्टेड देम, आर्ची इज गेटिंग रेडी फॉर अ पार्टी दैट नो वन इज अटेंडिंग, वी हैव गॉट टू डू समथिंग। फिर उसने कहा कि मैंने तो इसे पोस्ट ही नहीं किया, और आर्ची ऐसी पार्टी रेडी कर रहा है जहाँ पे कोई अटेंड नहीं करने वाला है, तो अब हमें कुछ करना होगा, ऐसे उसने कहा। लेट्स आस्क द पीपल नाउ, सजेस्टेड हेनरी। फिर हेनरी ने ग्रुप ऑफ पीपल देखा, यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर, तो उनको उन्होंने पूछा। विलियम एग्जामिन्ड द नेम्स ऑफ द एनवेलप्स, नेम्स देखे एनवेलप्स पे, नो इट्स ऑलमोस्ट माई सिस्टर एथेल्स फ्रेंड्स एंड दे आर ऑल एट द टेनिस क्लब। उसने कहा ये सारे मेरे बहन के ही फ्रेंड्स है और वो सब कहाँ है, टेनिस क्लब पे है। देन लेट्स जस्ट गो बैक एंड ऑफर टू ईट अप हिज फूड, सेड जिंजर। और फिर उसने क्या कहा कि जाके हम उनसे मिलेंगे, देन लेट्स जस्ट गो बैक, वापस जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम ये खाना खा लेते हैं। तो तब विलियम ने क्या कहा, नहीं, नो, विलियम सेड ही मस्ट हैव अ पार्टी, उसको एक पार्टी होनी चाहिए, उसने इतनी प्लानिंग की है तो पार्टी तो होनी ही चाहिए। वी रियूंड हिज ओल्ड पार्टी सो वी बेटर गेट हिम अ न्यू वन। तो वो कहता है कि रियूंड हिज ओल्ड पार्टी मतलब उसको भूल जाते हैं, जाने देते हैं, और अब हम एक अच्छी पार्टी उसके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। कम ऑन लेट्स फाइंड अ पार्टी फॉर आर्ची। फिर उन लोग पार्टी ढूंढने के लिए, मतलब ग्रुप ऑफ पार्टी मीन्स ग्रुप ऑफ लोगों को ढूंढने के लिए गए आर्ची के लिए। जस्ट देन थ्री कार्स स्टॉप्ड ऑन द रोड, और तब उतने में रोड पे तीन कार्स खड़ी रही, एंड फोर पीपल गॉट आउट ऑफ ईच, और हर एक कार में से चार चार लोग बाहर निकले। विलियम्स आइज ग्लिम्ड, और वो देख के विलियम की आइज ग्लिम्ड मतलब एकदम ब्राइट हो गई। 12 पीपल फॉर आर्चीज पार्टी, फिर उसने क्या कहा, ये 12 पीपल से आर्ची की पार्टी तो हो जाएगी।
द पीपल सीम्ड टू बी आर्ग्यूइंग ओवर अ मैप, और उन लोग एक मैप सी यू कैन सी ओवर हियर कि मैप खोल के उन लोग एक दूसरे से आर्ग्यू कर रहे थे कि कुछ रास्ता भूल गए हो ऐसा कुछ. देन वॉट हैपन, अ मैन आस्क्ड विलियम, आर यू एनी वेयर नियर मारलेक, ये जगह का नाम है मारलेक, तो उसने पूछा कि क्या हम मारलेक के नज़दीक है. अ वुमेन सेड, वी वॉन्ट टू बाई सम पिक्चर्स फ्रॉम अ फेमस आर्ट कलेक्शन, डू यू नो द वे टू दिस प्लेस. फिर एक औरत ने पूछा, बोला कि हमें कुछ पिक्चर्स खरीदने हैं फेमस आर्ट कलेक्शन से, और क्या तुम्हें वहाँ जाने का रास्ता पता है. तो विलियम वॉज नॉट लिसनिंग, वो कुछ सोच सुन ही नहीं रहा था. अ शॉर्टकट अक्रॉस द फील्ड वुड टेक देम टू आर्चीज कॉटेज, वो यही सोच रहा था कि आर्ची के कॉटेज जाने के लिए एक शॉर्टकट है फील्ड में से, वहाँ से उन लोग चले जाएंगे, इन अ फ्यू मिनट्स पहुँच जाएंगे. ही डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट टाइम इन इन्विटेशंस एंड एक्सप्लेनेशन, और उसने क्या डिसाइड किया कि अब ये इन्विटेशन के बारे में सोचना भूल जाते हैं और कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं करते हैं. कम दिस वे ही सेड, क्लाइंबिंग अ फेंस, एक फेंस ऐसे फील्ड के चारों ओर लगी हुई थी, उसके ऊपर चढ़ के उसने कहा इस साइड आ जाओ. हेसिटेंटली द ग्रुप फॉलोड, हेसिटेंटली सी द मीनिंग इट इज़ गिवन, हेसिटेंटली मीन्स एकदम हिचकिचाते हुए. इन द बुक इट इज़ गिवन फीलिंग अनश्योर, कि उनको पता नहीं था कि ये सही जगह ले जा रहा है कि नहीं. देन विलियम फ्लंग ओपन आर्चीज डोर, और उसने आर्ची का दरवाज़ा खोला वहाँ पहुँच के. हियर दे आर आर्ची, फिर उसने आर्ची को कहा कि ये तुम्हारे गेस्ट आ गए हैं. आर्ची केम आउट ग्रिनिंग, और आर्ची फिर एकदम खुश होते हुए बाहर आया. सो गुड ऑफ यू टू कम, और उसने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोग सब लोग आ गए. आर्ची बिकेम द परफेक्ट होस्ट, और वो सब वो आर्ची एकदम बराबर से होस्टिंग कर रहा था, सबको बुला रहा था अंदर, सब कुछ दे रहा था, ऑफरिंग फूड्स एंड ड्रिंक्स देते हुए. ही डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिज गेस्ट फेसेस, और आर्ची वो उसके चेहरे पहचान नहीं पा रहा था सभी, क्योंकि ऑल वेयर स्ट्रेंजर्स टू हिम. बट ही वॉज नॉट वरीड, पर उसको टेंशन नहीं थी. हिज गेस्ट्स वेयर स्लाइटली बीविल्डर्ड, बीविल्डर्ड मीनिंग ऑल्सो दिया हुआ है कन्फ्यूज थे, उसके जो गेस्ट थे वो भी सारे कन्फ्यूज थे. दे वेंट इन टू द स्टूडियो, और फिर जहाँ उसकी पेंटिंग्स थी वहाँ वो गए. आई कांट अंडरस्टैंड एनी ऑफ देम, फिर एक बोला कि ये तो पेंटिंग कुछ समझ में ही नहीं आ रही है. दे डोंट सीम टू मीन एनी थिंग, कि इसका कुछ मतलब ही नहीं है ये पेंटिंग का. दे वोंट, दे आर मॉडर्न आर्ट, फिर आर्ची ने क्या रिप्लाई किया कि किसी और ने भी बोला कि ये तो मॉडर्न आर्ट है, इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा. सडनली टू आर्चीज अमेजमेंट दे गेव हिम अ चेक एंड लेफ्ट कैरिंग हिज पेंटिंग्स, फिर एकदम आर्ची अमेज हो गया, एकदम चौंक गया कि उन्होंने एक चेक दिया और वहाँ से पेंटिंग लेके चले गए. स्टैंडिंग एट द गेट ही सॉ एथल एंड हर फ्रेंड्स, और गेट पे खड़े हुए एथल और उसके फ्रेंड्स को फिर तब उसने देखा. द रेस्ट ऑफ हिज पार्टी, जो बाकी थी एक्चुअल में जो आने वाले थे, ही रश टू मीट देम, और तभी आर्ची भागा उनको मिलने के लिए, और तब उनको पहचान गया कि एक्चुअल में उन्होंने वो आर्ची ने उन्हीं को बुलाया था पार्टी के लिए. कम इन कमिंग, और उन्होंने उसको आर्ची ने वेलकम किया सभी गेस्ट को, फ्रेंड्स को अपने. दिस इज़ वेरी नाइस ऑफ यू आर्ची, बट फिर उन्होंने क्या, उन लोग को तो पता ही नहीं था पार्टी के बारे में, इसलिए उसने क्या कहा कि बहुत ही अच्छा काम करो, अच्छा हुआ तुम हमें बुला रहे हो. पर उसने क्या बोला, आई थॉट यू वुडेंट कम, बट वेन यू डिंट आंसर माई इन्विटेशन आई न्यू यू वुड. तो आर्ची कहता है कि मुझे लगा कि आप लोग नहीं आओगे, बट आप क्योंकि आप लोग ने मेरे इन्विटेशन का कोई आंसर नहीं दिया, बट आई न्यू यू वुड, पर मुझे अंदर से विश्वास था कि आप लोग ज़रूर आओगे. What are you talking about? We never got an invitation. और तब उसके फ्रेंड्स ने क्या कहा कि तुम किस इन्विटेशन के बारे में बात कर रहे हो, हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला है. I sent the invitations last week. William posted them. तब आर्ची ने क्या रिप्लाई किया कि मैंने इन्विटेशन लास्ट वीक ही भेज दिया था और विलियम ने सारे इन्विटेशन पोस्ट किए थे. विलियम एथल ग्रोंड, और फिर उसकी जो उसका जो फ्रेंड था उसने जोर से चिल्ला के बोला विलियम को. सडनली दे हर्ड कार्स आउटसाइड, अचानक से फिर वो कार्स जो गई थी वो वापस आ गई. द फॉर्मर गेस्ट्स
ran inside apologizing and explaining. और जो वो पहले के गेस्ट थे, former गेस्ट मतलब earlier गेस्ट जो थे, वो माफ़ी मांगते हुए और explain करते हुए अंदर आए. Can't think how the mistake arose. और कहने लगे कि कैसे ये mistake हो गई पता नहीं चला. Got lost again, passed the real place by accident. बोले हम लोग तो रास्ता भूल गए थे बट अचानक से accidentally जहाँ हमें जाना था उसी जगह से निकले तब हमें पता चला. These are the wrong kind of pictures. फिर उसने कहा कि ये जो pictures है वो गलत है, जो हमें चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं. But why did you come here in the first place? Squeaked Archie. फिर आर्ची ने, squeaked मतलब spoke in a short high voice, धीरे से भी और ज़ोर से भी ऐसा उसने बोला कि तो तुम यहाँ पे first place क्यों आए यहाँ पे. Almost buried beneath his picture. और सारे pictures वहाँ पड़े हुए थे. Buried beneath मतलब उसके नीचे वो ढक नहीं चुका था but ऐसा it is a type of expression. You can see over here, उन लोग ने सारे pictures लौटा दिए. A boy William directed us here. और तब उन्होंने गेस्ट ने क्या रिप्लाई किया कि एक लड़का विलियम था उसने वो हमें यहाँ लेके आया. और एवरी वन एकोड, सब चिल्लाए जोर से विलियम करके. तो ये हमेशा बहुत ही परेशानी क्रिएट करता रहता था. तो दिस इज द चैप्टर व्हाट आई एक्सप्लेन यू. इट इज़ रिटन बाय रिचमल क्रॉम्पटन and he was born in 1890 and died in 1969. Was an initially trained as a school mistress but later became a popular English writer. बाद में बन गए थे. best known for his Just William series of book. ये उनकी book का नाम है. the Just William series is a collection of 39 books. उसमें 39 books included है which describe the adventures of mischievous schoolboy William Brown. एक लड़का है बहुत ही mischievous है, वो ऐसी उटपटांग चीज़ें करता रहता है. how he did in this also. तो वैसा उटपटांग चीज़ उसने करती रही. तो this is also a funny type of chapter कि जिसमें उसने कैसे लोगों को परेशान किया. I hope children you might have understood this chapter properly. So watch the video twice so that the whole story might be very clear to all of you. Thank you dear children.